रूमांगंज थाना क्षेत्र के भागलपुर ट्रांसपोर्ट नगर गंगा घाट पर सोमवार पूर्वाह्न गंगा स्नान करते समय दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर लगाया और अतिशीघ्र दोनों का शव खोजने में कामयाब हो गई। नोएडा शहर निवासी अरविंद दुबे का 15 वर्षीय बेटा आयुष दुबे और 8 वर्षीय निर्मल दुबे कुछ दिन पहले अपने ननिहाल धूमंगंज के ट्रांसपोर्ट नगर में आए हुए थे। सोमवार पूर्वाह्न अपनी मां के साथ गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर गांव स्थित गंगा घाट पर स्नान करने गए, जहां स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस दौरान एक और बच्चा डूबने लगा। वहां मौजूद लोग एक बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन आयुष दुबे एवं उसका भाई गहरे पानी में समा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर लगाया और अतिशीघ्र दोनों का शव खोजने में कामयाब हो गई। पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार पूर्वाह्न दो बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय पुलिस दोनों शव बरामद करने के बाद विधिक कार्रवाई कर रही है। नहीं कमाई है कभी, तो जीत बिगाड़ा ना चाहिए, नहीं मन खाए।